नहीं देखिए, वो तो उस वक्त स्पॉट में आने के बाद मैं तो देख रहा था, दो तीन गजीबो बन गई, कुछ टेंट बन गया वहाँ पर, वो मैप लेके ऐसे बैठ रहे। देखिए बहुत बड़े नाटकबाज हैं, बहुत बड़े एक्टिंग बाज हैं, उनको मैप भी समझ में नहीं आ रहा वो मैप क्या करके ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हैं, क्या खेल रहे, लूडो खेल रहे थे, सांप सीढ़ी खेल रहे थे, क्या उठक बैठी, वो मतलब वो जो हम लोग खेलते थे ना कि चिड़िया उड़ कौवा उड़, वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ उनको एक्टिंग करने से मतलब, वो मीडिया को वहाँ से मतलब लोगों को वहाँ से हटा के बोले मीडिया कैप्चर करिए, वो देखे होंगे आप 3 मिनट 4 मिनट ऐसे फ़ोन में लगातार बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे, अमित शाह से बात कर रहे थे कि बेटा तुम हमको कहाँ फंसा दिए, क्या ये चीज़ अगर बंगाल में होता तो आज भाजपा क्या करती, क्या भाजपा बंगाल के गवर्नमेंट को छोड़ देती, क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री को छोड़ देती, या हम जैसे लीडर्स जो सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं और सच बात कर रहे हैं, क्या वो हमें छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये बोलना बहुत कठिन है, मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि क्या भाजपा ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, क्या नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है, जहाँ वो बुलेट ट्रेन की ख्वाब देख रहे हैं, गरीबों की झोपड़पट्टी तोड़कर, तो क्या भाजपा इस चीज़ को तैयार है लेने के लिए? क्योंकि बंगाल में अगर किसी को छींक भी आती है तो कहा जाता है ये ममता बनर्जी ने सर्दी फैला दी। जब मगर देश इस बात को नहीं सुनता कि गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, मगर एक ऐसे इंसान की बात सुनता है जो खुद भगवान के मोहताज है। धर्मेंद्र शास्त्री के औकात क्या है, वो तो हमारे भगवान का मोहताज है ना, भगवान तो ऊपर में सर्वश्रेष्ठ है, हाँ वो तो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या भगवान से बड़ा धर्मेंद्र शास्त्री है? तो धर्मेंद्र शास्त्री को ये बात सोचना चाहिए कि अगर आपको ये पता था तो कम से कम आप रेलवे मिनिस्टर को या रेलवे मास्टर को बोल के बता देते कि ट्रैक चेंज होने वाला है और 500 लोगों की मौत होने वाली है। ये जो ढंग करके जो करते हैं, ये जो टीवी में आके, ठीक है कि ये देखिए ये सारी चीज़ सेटिंग है, लोगों को पता चल रहा है अब। तो सिर्फ ये करोली नहीं, अगर कोई टोपी पहन के मौलाना भी अगर ये बात बोलेगा तो मैं बोलूँगा कि तू भी ढोंगी। गीता में लिखा है कि कलयुग में क्या होगा वो हम समझेंगे, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे नसीब में जो लिखा है तुम इसको रोक नहीं सकते और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसको रोको जब तक मैं ना चाहूँ। मनोज तिवारी को ज़रूरत है कि वो धर्मेंद्र शास्त्री का जूता चाटें और दूध ऐसे पैर में दूध रखें और दूध जो नहर को नहीं बांध के, गंगा सागर को नहीं मानकर, वाराणसी को नहीं मानकर, घाट और अस्सी को नहीं मानकर वो धर्मेंद्र शास्त्री का तलवा चाटे, वो उनके लिए बेहतर है। तो अजीब कैसे देखते हैं जिस तरह से रेल दुर्घटना हुआ है और उसके बाद लगातार कई तरह के सवाल उठे, पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए ये जो दुर्घटना हुआ है, मेरे ख्याल से भारत का सबसे बड़ा कठिन समय का वक्त था और जिस तरीके से हुआ ये बोलना काफ़ी ही मुश्किल था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि जब मैं भी रात को ये खबर सुनकर, जब मैं सुबह उठ के ये वीडियो देख रहा था तो ये काफ़ी चिंताजनक वाली वीडियो थी। क्योंकि मतलब जिस हिसाब से रेलवे ट्रैक को डीरेल करते हुए ये चीरते हुए 128 और 107 दो ट्रेन 128 और 127 के स्पीड में जब वो सामने से गुजर के ट्रैक चेंज करते हुए मारा गया, तो हकीकत की बात है कि जो लोग उस वक्त मौजूद थे ट्रेन में वो उनको ही पता होगा कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ और कितने लोग जान खो बैठे। रही बात कि अभी ये ब्लेम गेम करना है कि नहीं, मगर मैं एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, मगर मैं अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ, अगर क्या ये चीज़ अगर बंगाल में होता तो आज भाजपा क्या करती, क्या भाजपा बंगाल के गवर्नमेंट को छोड़ देती, क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री को छोड़ देती, या हम जैसे लीडर्स जो सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं और सच बात कर रहे हैं, क्या वो हमें छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो सबसे पहले ये कहते हैं कि हावड़ा सियालदा शालीमार सांतरागाछी न्यू कैलकटा ये सारे रेलवे ट्रैक को मेंटेन नहीं किया गया, ये सारे चीज़ को बिल्कुल सही से नहीं, हालांकि रेलवे हमेशा सेंट्रल के अंदर आता, रेलवे स्टेट के अंदर नहीं आता, मगर फिर भी आज वो अटैक किया जाता। आज उड़ीसा में हुआ इसलिए उड़ीसा को अटैक नहीं किया गया क्योंकि नवीन बाबू एक वाकई में अपने में काबिले तारीफ एक मुख्यमंत्री हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं, मैं खुद तारीफ करना चाहता हूँ, मगर वो न्यूट्रल रहते हैं इसीलिए उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। अगर ये न्यूट्रल नहीं होते, अगर यही चीज़ राजस्थान में होता, बंगाल में होता, तब आप इसका जादू देखते। ये जो 400-500 लोग जो मरे और ये आंकड़ों को छुपाया गया, ये मैं मान ही नहीं सकता
क्योंकि दीदी रेलवे मंत्री के साथ खड़े होकर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 280 नहीं, आप लोग आंकड़े को छुपा रहे हैं, आंकड़े को बिल्कुल मॉडिफाई किया गया है, और उसको छुपाने के बाद ये आंकड़ा सामने में आया कि 280 या कितने लोगों की जान, जो मैं क्या ही कहता हूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, ये जान जा चुका है। मगर सबसे बड़ी बात यह है मुजाहिद कि इतना बड़ा कांड, ये इतना बचकाना हरकत हो कैसे सकता है, क्योंकि अब आपके पास तो सही रिजल्ट आ गया कि क्यों हुआ है। क्योंकि एक तरफ मालगाड़ी यहाँ पर स्टैंड पार्क की हुई थी, मैं अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ, एक मालगाड़ी यहाँ पार्क की हुई है, मतलब वहाँ पार्किंग में लगी हुई है डाउन में, एक गाड़ी आपके इधर से आ रहा है और आप यहाँ जा रहे हैं। तो मैं रेलवे मास्टर की एक बात सुन रहा था कि कोई अपने हाथ से ये कर ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिक होता है, अपने हाथ से ये कोई कर ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि किसी ने रॉड डाल के कर दिया, नहीं वो नहीं हो सकता। वो ट्रैक चेंज होके रखा हुआ था इतने डिस्टेंस में, तो मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, शायद 20 मीटर भी नहीं होगा, ठीक है, वो मुंह के सामने आके ट्रैक चेंज करके उसने पूरे ट्रेन को बैंग किया, ट्रेन से ट्रेन लड़ा, उसकी इंजन ऊपर चढ़ गई। ये बहुत सोचने वाली बात है, ये कैसे हो सकता है, ये किसकी कोताही है, ये कहाँ से कम किया गया। आज जब रेलवे मंत्री बाबू जब एक साल पहले सुरक्षा कवच की बात कर रहे थे कि ये सुरक्षा कवच इसमें लगेगा, इसमें इतना बजट दिया गया है, और कोई भी ट्रेन अगर 100-200 मीटर के आगे रहेगा या कितने हाफ किलोमीटर के आगे या पीछे रहेगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये कवच कहाँ है, ये बजट कहाँ गया और कितने रेलों में लगा, सवाल ये है, हमें ये इस चीज़ का सवाल चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इसका PIL करना चाहिए, मुझे इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि जब ये बात कवच की कर रहे थे रेलवे मंत्री, ये कवच कहाँ गया। नीतीश कुमार के रिजीम में जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे, उनके साथ कुछ हादसा हो गया था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी अटल बिहारी के रिजीम में, वो रिज़ाइन देने के लिए एक पैर में खड़ी थी, मगर अटल बाबू ने उनको रोक दिया था, उन्होंने कहा था नहीं, जिस तरीके से आपने काम किया, जिस सहनशीलता से आपने काम किया, आपको रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉल्ट अलग ही दिख रहा है। मगर आज ये फॉल्ट, ये मैं अगर कोई सिग्नल की फॉल्ट होती तो मुझे लगता कि चलो भाई सिग्नल ख़राब हो गया, लाइट बंद हो गई, या हरा से ग्रीन नहीं हुआ, एक ग्रीन से हरा नहीं हुआ, मगर एक ट्रैक से दूसरा ट्रेन 128 के स्पीड में आपको जब पता है तो ये कैसे मिस हो सकता है, ये कैसे नहीं दिखा आप लोग को कि ट्रैक चेंज होकर है। आपने उस इंजन का शक्ल देखा था, वो इंजन ऐसे दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ के बैठा था, आप उसका इम्पैक्ट सोचिए कि आज 400 से 500 लोग अपनी जान भिगो बैठे, उसका इम्पैक्ट देखिए। जिम्मेदारी किसके ऊपर, देखिए बोलना बहुत कठिन है, मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि क्या भाजपा ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है, जहाँ वो बुलेट ट्रेन के ख्वाब देख रहे हैं, गरीबों की झोपड़पट्टी तोड़कर वो बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं, वो कितने कितने मोहल्ले, कितने कितने आबादी को हटाकर वो बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान इस 9 साल के रेजिम में, जो एक बहुत ही बेकार गवर्नेंस था, ठीक है, क्या हिंदुस्तान तैयार है कि हमें बुलेट ट्रेन मिले, जबकि हम अपने नॉर्मल ट्रेन को नहीं इस्तेमाल कर सक रहे, उसको मेंटेन नहीं कर सक रहे। भाई देखिए 900 आदमी इंजर्ड किसको बोलते हैं, 400-500 लोगों की आपने आंकड़े छुपाएं, ये हो ही नहीं सकता कि 280 लोग मरे हों उसमें, आपने आंकड़े छुपा दिए, 400-500 के ऊपर मतलब कहीं नहीं है जो इम्पैक्ट से वो ट्रेन लगा है। क्योंकि मैं जब देख रहा था कि वहाँ पर अभी भी दो, जब ममता बनर्जी ये बात कह रही थी कि दो बोगी से अभी भी बाकी है लाश निकलना, तो जल्दी से रेलवे मंत्री ने कह दिया कि नहीं नहीं वो कट गया, नहीं कटा नहीं था, हमने तो खुद देखा, एक नेशनल चैनल वाले खुद कह रहे थे कि दो बोगी बाकी, उनको काट के भी लाश निकालना भी है, तो उसको काउंट आपने नहीं किया। तो क्या भाजपा इस चीज़ को तैयार है लेने के लिए, क्योंकि बंगाल में अगर किसी को छींक भी आती है तो कहा जाता है ये ममता बनर्जी ने सर्दी फैला दी, स्नीजिंग जो डिजीज़ है वो ममता बनर्जी ने फैला दिया। तो क्या आज हम विपक्ष में रह के लोग, देखिए लोग के साथ जो हुआ वो तो मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको कुछ भरपाई कर सकूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ, मगर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता था, एक बाबा है जो फ्यूचर देख लेते। जब
कोई भी देश, चाहे वो गीता हो या कुरान हो, अगर उस देश इस चीज़ के पीछे चला जाता है, देखिए रिलीजन जो है वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, मैं रास्ते में नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए, हो सकता है लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि मेरा इस्लाम बोलता है कि मेरे वजह से आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, आपका नमाज आप घर में आके पढ़िए, ठीक है। तो जब कोई भी देश, ये गीता कुरान ये बहुत पवित्र चीज़ है, आसमानी किताबें हैं, जब मगर देश इस बात को नहीं सुनता कि गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, मगर एक ऐसे इंसान की बात सुनता है जो खुद भगवान के मोहताज है ना, धीरेन्द्र शास्त्री के औकात क्या है, वो तो हमारे भगवान का मोहताज है ना, भगवान तो ऊपर में सर्वश्रेष्ठ है, हाँ वो तो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या भगवान से बड़ा धीरेन्द्र शास्त्री है? नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोविड ने सबको अपनी अपनी औकात बता दी, सबको घर में बैठा दिया गया था, आपका प्रेडिक्शन, आपकी सारी चीज़ें वो धरी की धरी रह गई थी, मुंह में लग गया था कपड़ा, बन गए थे आप घर पे और मौतें हो रही थी, ये है ऊपर वाले का प्रकोप, ये है ऊपर वाले का गुस्सा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को ये बात सोचना चाहिए कि अगर आपको ये पता था तो कम से कम आप रेलवे मिनिस्टर को या रेलवे मास्टर को बोल के बता देते कि ट्रैक चेंज होने वाला है और 500 लोगों की मौत होने वाली है। ये जो ढंग करके जो करते हैं, ये जो टीवी में आके, ठीक है, कि ये देखिए ये सारी चीज़ सेटिंग है, लोगों को पता चल रहा है, अब ये सारी चीज़ सेटिंग है, ये ढोंगी चीज़ें, एक कोई करौली बाबा है, वो आप देखिए वो दो लड़की एक साथ जाके खड़ी हुई हैं, मैं आपको वीडियो आप शेयर कर लीजिए, दो लड़की एक साथ जाके खड़ी हुई हैं, एक लड़की कह रही मुझे लंबा होना है बाबा, तो बाबा ऐसे आँख बंद कर बंद करके कह रहे हैं कि ठीक है आँख बंद करो और अब तुम्हें मैं वो दे रहा हूँ, कुछ शक्ति दे रहा हूँ, अब तुम आँख खोलो। लड़की 30 सेकंड में आँख खोल के बोलती है कि हाँ बाबा मुझे लग रहा है कि मैं लंबी हो गई हूँ बाबा, मेरा हाइट बढ़ चुका है बाबा, आप समझ रहे हैं। तो सिर्फ ये करौली नहीं, अगर कोई टोपी पहन के मौलाना भी अगर ये बात बोलेगा तो मैं बोलूँगा कि तू भी ढोंगी, तुम भी वैसे ही ढोंगी हो, तुम भी नकली हो, क्योंकि किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है ऊपर वाले को छोड़कर कि आपको लंबाई बढ़ा दे, आपको गोरा कर दे, आपको पतला कर दे। ये इंसान के हाथ में हो सकता है, इंसान अपना ऑपरेशन करा के बहुत चीज़ कर सकता है, सर्जरी करा के कर सकता है, मगर इंसान के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो कर दे। हाँ कोई बीमार है तो हाँ भाई गीता का शास्त्री पढ़िए, कुरान की आयतें पढ़िए, जादू और मैजिक हो सकती है क्योंकि बहुत शक्ति, मगर धीरेन्द्र शास्त्री मतलब देखिए ये बेवकूफ़ लोग हैं, नहीं बाबा बाबा देखिए बाबा नहीं, देखिए अब अजमेर में देखिए कोई एक बाबा ढूंढ रहा है, घूम रहा है, वो ऐसे हाथ उठाता है काजू पिस्ता हाथ में आ जाता है, देखा आपने वो वीडियो कि वो अजमेर के गलियों में हमने करामत होते हुए देखा, वो ऐसे हाथ उठाता है काजू हाथ में आ जाता है। अरे ख्वाजा बाबा की बात अलग है, शिव शंकर की बात अलग है, खुदा की बात अलग है, भगवान की बात अलग है, इनसे आप कंपेयर नहीं। ये जो लोग एक हरा और ऑरेंज कपड़ा पहनकर जो ये टीवी पे बैठ जा रहे हैं, इनकी कोई दो पैसे की औकात नहीं है, दो पैसे की औकात नहीं है। गीता में लिखा है कि कलयुग में क्या होगा वो हम समझेंगे, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे नसीब में जो लिखा है तुम इसको रोक नहीं सकते, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसको रोको जब तक मैं ना चाहूं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री तो धीरेन्द्र शास्त्री गीता से बड़ा है, हनुमान का नाम लेकर चल तो रहा है, तो क्या हनुमान जी से बड़ा है? हनुमान जी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन जैसे लोगों के बातों में बिल्कुल मत आइए, ये नसीब में था एक्सीडेंट होना, कहीं ना कहीं किसी की गलती थी और ये हो चुका है। अब कोई भी टीवी में आके कोई भी बोल दे कि हम ये रोक लेते ऐसा हो जाता वैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको साइंस में बिलीव करना चाहिए। चला रहे हैं बाकीदार, इतने पावरफुल नहीं है तो कैसे चला रहे हैं? मनोज तिवारी को जरूरत है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री का जूता चाटें और दूध ऐसे पैर में दूध रखें, और दूध जो नहर को नहीं बांध के, गंगा सागर को नहीं मानकर, वाराणसी को नहीं मानकर, घाट और अस्सी को नहीं मानकर, वो धीरेन्द्र शास्त्री का तलवा चाटे, वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। देखिए यहाँ पर सारा बात पोलराइजेशन का है कि किस तरीके से हिंदू को पोलराइज किया जाए, मुसलमान को पोलराइज किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की फॉलोअर बढ़ रही है, तो फॉलोअर बढ़ने का मतलब है कि आपको अपना वोट भी मिल जाएगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे हाथ रख के ये कह दे कि हाँ ये शेयर पट्टा मेरा है और उसको वोट दो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोग वोट भी दे दें, मगर कोई चीज़ को प्रेडिक्ट करना धीरेन्द्र शास्त्री की औकात नहीं है।
कि वो कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट कर दे। जिस तरह से अभी बालेश्वर रेल घटना पे मीडिया दिखा रहा था कुछ दिन पहले, जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो दिखा रहा था कि मोदी जी को गर्मी लग रही, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री को इतनी? नहीं देखिए, वो तो उस वक्त स्पॉट में आने के बाद मैं तो देख रहा था, दो तीन गजीबो बन गई, कुछ टेंट बन गया वहाँ पर, वो मैप लेके ऐसे बैठ रहे। देखिए बहुत बड़े नाटकबाज है, बहुत बड़े एक्टिंग बाज है, उनको मैप भी समझ में नहीं आ रहा वो मैप क्या करके ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हैं, क्या खेल रहे, लूडो खेल लेते, सांप सीढ़ी खेल लेते, क्या उठक बैठी, वो मतलब वो जो हम लोग खेलते थे ना कि चिड़िया उड़ कौवा उड़, वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ उनको एक्टिंग करने से मतलब वो मीडिया को वहाँ से मतलब लोगों को वहाँ से हटा के बोले मीडिया कैप्चर करिए, वो देखे होंगे आप 3 मिनट 4 मिनट ऐसे फ़ोन में लगातार बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो किससे बात कर रहे थे? अमित शाह से बात कर रहे थे कि बेटा तुम हमको कहाँ फंसा दिए, तुम्हारे चक्कर में हमको बालासोर आना पड़ रहा है और यहाँ पर गाली सुननी पड़ रही, तुम्हारे चक्कर में मोटा भाई हम कहाँ फंस गए तुमको पता भी नहीं है और यहाँ इतना गाली सुनने मिल रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं वही तो हम बात कर रहे हैं, वो क्या ही बोल रहे होंगे। ममता बनर्जी तो आई, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर का क्लास अच्छे से लिया, वो सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उन्होंने अच्छे से क्लास लिया और अपने तरफ से वो जो भी दे सकती थी बंगाल के जनता को, जो जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बता दिया कि क्या क्या मिल रहा है, 12 लाख मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, वो बताई और वो बोल के चले गई। उन्होंने यहाँ पर 40 एम्बुलेंस भेज दिया था, कई 100 डॉक्टर भेज दिया था और इसकी प्रशंसा हमारे नवीन बाबू भी करते हैं कि भाई बंगाल से बहुत हेल्प मिला, मेदिनीपुर के लोग पूरे उठ के चले गए थे। तो ये काम हुआ ना, ये काम हुआ ना, ये काम